तो बयान एक, मुश्किलें अनेक। राहुल गांधी को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश के अंदर राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी है और ऐसे में अब राहुल गांधी को ललित मोदी ने धमकी दिया। ललित मोदी ने कहा है कि भाई मैं यूके की अदालत में इनके ऊपर अब केस करूंगा। इसके साथ ही सदस्यता खत्म हो गई है राहुल गांधी की, तो क्या सियासत हजम हो गई है? क्योंकि सवाल लगातार उठा रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर। प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक किया है विपक्ष ने, लेकिन प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करके क्या 2024 में जीत संभव है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, अन्य जो विपक्षी दल है उनकी? प्रधानमंत्री के विरोध में बिखरा विपक्ष क्या इससे एकजुट हो पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। इसके साथ ही वॉशिंग मशीन के साथ ममता बनर्जी ने जो धरना दिया उसके मायने क्या है, और मोदी के खिलाफ विपक्ष की गुट 24 में क्या वाकई में एकजुट होंगी? क्योंकि तमाम दलों में अभी बिखराव नजर आ रहा है और कुछ दल तो ये भी आके कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ावा दिया जाए कांग्रेस पार्टी के अलावा। ठीक है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन ललित मोदी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो जरा स्क्रीन पर लाते हैं, ललित मोदी का ट्वीट। ललित मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे कब दोषी ठहराया गया था, पप्पू उर्फ राहुल गांधी की तरह नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं और ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास या तो गलत जानकारी या फिर वे बदले की भावना से बोलते हैं। ललित मोदी ने आगे कहा कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत यूके में अदालत में जाने का फैसला किया है, मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा, मैं उन्हें खुद को पूरी तरह से बेवकूफ बनते देखने के लिए उत्सुक हूं, एक पैसा नहीं लिया, ललित मोदी ने कहा। ललित मोदी ने कहा है कि 15 सालों में मैंने एक भी पैसा लिया हो तो ये साबित नहीं हुआ, ये जरूर साबित हुआ है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट बनाया जिसने करीब 100 अरब डॉलर की कमाई की। ठीक है, चर्चा पे आते हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सुधा मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ संजीव निगम है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और अमिताभ ठाकुर साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत आप ही के साथ सुधा मिश्रा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम आरोप एक के बाद एक, और अब संसद की सदस्यता जाने के बाद ललित मोदी भी राहुल गांधी के विरोध में आ गए हैं और ने ट्वीट करके पप्पू कहा और कहा मैं यूके की अदालत में जाऊंगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया, कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया इस पर, सुधा मिश्रा। डॉक्टर सुधा मिश्रा है जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। दूसरी बात, आपने जिनकी बात को किया उनके ट्वीट में लिखा है विपक्षी पार्टियां, हाँ, तो क्या मैं मान लूं कि जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ललित मोदी, वो सरकार के साथ है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों, विपक्षी पार्टी के शब्द का प्रयोग करने वाले कौन होते हैं जो सरकार के साथ होते हैं? तो क्या इस बयान पे ये मान लिया जाए कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सरकार के अंदर मान रहा है और वो कह रहा है विपक्षी पार्टियों के लोग ऐसा करते हैं, और वही व्यक्ति फिर से सरकार के द्वारा चलाई गई जो एक कुत्सित भावना थी राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने की, उसी शब्दावली का उसने प्रयोग किया, तो क्या? लेकिन सुधा मिश्रा, मैं जरा चाहूंगा कि आप इसे जरा एलोबरेट करें। डॉक्टर सुधा, मैं माफी चाहूंगा, मुझे माफी के साथ इंटरप्ट करना पड़ेगा दर्शकों के लिए। आपने कहा कि विपक्ष का इस्तेमाल वो करता है जो सरकार में होता है, यानी कि सरकारी विपक्ष का इस्तेमाल कर सकती है विपक्ष शब्द का इस्तेमाल, विपक्ष शब्द का इस्तेमाल आम जनता नहीं कर सकती, पत्रकार नहीं कर सकते, राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार के लोग ही कर सकते हैं। आप अगर मुझे एक बार, मुझे आपका नाम एक बार जान, मेरा नाम शिवम है मैडम, शिवम सोनी से बात कर रहे हैं आप जी, शिवम जी, शिवम जी। आप जिस तरह बौखला के इंटरप्ट कर रहे हैं पहले ही बयान पे, पहले ही बात पे, नहीं मैं बौखला के इंटरप्ट नहीं कर रहा मैडम जी, नहीं नहीं मैं बौखला के इंटरप्ट नहीं कर रहा। आपने जो परिभाषा बताई ना डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपको पूरा नाम दे रहा हूँ, आपने जो परिभाषा बताई विपक्ष की, आपने कहा कि विपक्ष शब्द का नाम ये लेते हैं, आधी अधूरी बात पे रोकते नहीं है, पूरी बात नहीं, नहीं मैं तो आपको करेक्ट कर रहा था मैडम, अगर ठीक है आप गलत बोलिए मैं करेक्ट भी नहीं करूंगा, करेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं इंटरप्ट करना जरूरी था, ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस तरह की शब्दावली, मैं शिक्षक हूँ मैं भी बोल सकती हूँ, आप पत्रकार हैं कोई भी हो, मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता होना और शिक्षक होना सब चीजें जुड़ी होती हैं, ठीक है। जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है और जिस तरह से
अपने देश पे जो उनके आप पर आरोप है और जिस तरह वो देश में नहीं है, ठीक है, और जिस तरह से वो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह वो धमकी दे रहे हैं देश के पूर्व सांसद को जो जनता के द्वारा चुना गया सांसद है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसके लिए शब्दावली का जो प्रयोग कर रही हूं उस पर ख्याल रखूं। आप देख रहे हैं कि जिस देश के व्यक्ति को देश के अंदर आके बताना चाहिए कि जो आयोजन उसने किया था उस पर जो आरोप लगे हैं सही नहीं है, अगर वो तो देश में क्यों नहीं है। हंसी तो मुझे इस बात पे आती है कि जिस बात का हम ढोल पीटते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री का ऑरा इतना बड़ा है कि विश्व मानता है, तो विश्व से अपने देश के लोग जो भाग के गए हैं उनको वापस क्यों नहीं लाते हैं। सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। इस तरह से कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है अपने देश में नहीं है, जो पैसा लेके चला गया है, वो व्यक्ति इस पर धमकी देने का प्रयास कर रहा है और हम उस पर बहस करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गलती है। मुझे इस देश के लोगों के प्रश्न करने के तरीके पे ऑब्जेक्शन इसलिए होता है कि जो प्रश्न ये होना चाहिए कि आखिर अगर हमारा जो स्थान है विश्व में आगे बढ़ा है, हम यूक्रेन और बाकी जगहों पर आगे युद्ध रोकने की क्षमता रखते हैं, तो क्या अपने देश के भागे हुए आरोपियों को देश में नहीं ला सकते हैं? क्या प्रश्न ये नहीं उठता है? प्रश्न ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस पर हम उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हो रही कहने की, जो कि जनता का दोषी है, यहाँ के पैसे लेके गया हुआ व्यक्ति है, वो आरोप उस पर कर रहा है जो व्यक्ति जनता के द्वारा चार बार सांसद चुना गया है, प्रश्न उस पर खड़ा हो रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो रही है पप्पू शब्दावली प्रयोग करने की? प्रश्न इससे होना चाहिए। पप्पू होना मतलब क्या होता है? आपको पता है कि इस देश में प्यार से घरों में बच्चों को पप्पू कहा जाता है। आप लोग पूरे देश के उन सभी लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जिनका नाम पप्पू है। आप संज्ञा को इस तरह पाइल करते हैं। अब प्रश्न होता है राहुल गांधी से, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि प्रश्न होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो इस देश के पैसे लेके भाग, जिसपे ये आरोप लगा हो देश में ना हो, वो इस देश के सांसद पूर्व सांसद भले ही हो, लेकिन इतनी हिम्मत हो रही है उसकी क्यों कह रहा हम पप्पू नहीं है? जितने पप्पू नाम के लोग हैं क्या वो लोग बेवकूफ होते हैं? आप ही कहना चाहते हैं इस ठीक है प्रश्नों का? आर के मिश्रा साहब ये बात तो गलत क्या कह रही है सुधा मिश्रा? आर के मिश्रा साहब, एक भगोड़ा आदमी वो दूसरे मुल्क में बैठ के किसी देश के चुने हुए सांसद, हालांकि अब सांसद नहीं रहे वो अलग बात है, निशाना साधे, ये तो गलत है ना सर? उस पर खुद आरोप है, अपने गरीबान में झांक नहीं रहा ललित मोदी, दूसरों पर उंगली उठा रहा है, सवाल उठा रहा है। बिल्कुल शिवम जी, देखिए मैं तो सुधा जी को मैं गलत तो कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ, आपने तो प्रश्न अभी पूछना शुरू किया है। हाँ, मैंने कोई गलत नहीं कहा। हाँ, देखिए राजनीति में क्या होता है ना, शुचिता, और आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी खास करके जो कि जो शब्दों की जो शब्दावली है। हाँ, वो सारी चीजें आपके जो शब्दकोश में है उसको बहुत ही गंभीर तरीके से आपको रखना चाहिए देश के अंदर। हाँ, आप चाहे ललित मोदी जी की बात कर लें, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी की बात, या अन्य पार्टियों के जो नेता है। हाँ, सबको अपनी बातें अपने शब्दों को बेहतर तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए। हाँ, जनता आपको एक आदर्श रूप में जब देखती है तो निश्चित तौर पर यह आता है जो कि नहीं, आपसे ये अपेक्षा होती है जो कि आप शब्दों का भी सही प्रयोग करेंगे, वाक्यों का भी प्रयोग करेंगे। मैं 2024 की बात नहीं करूंगा, बल्कि अभी राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, खास करके मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा, जो कि अगर मान लीजिए अगर उन्होंने न्यायालय के अंदर में अगर एक शब्द अगर गलती या माफी मांगने की बात अगर होती, हालांकि वो कह रहे हैं जो कि मैं सावरकर नहीं हूं जो मैं गलती मानूंगा, मैं तो राहुल गांधी हूं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, मैं क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन न्यायालय का सम्मान जरूर होना चाहिए। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं जो कि मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, लेकिन इससे पहले चौकीदार चोर है और शीर्ष अदालतों ने इस चीज को भी माना है, जो कि अब शीर्ष अदालतें भी कह रही है जो गलत टिप्पणी जो है राहुल गांधी जी ने किया था उनको अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या उस समय में ये शब्द, ये जो गलतियां हैं उन्होंने फिर गलती क्यों मानी उस समय में, जो ये शब्द थे जो कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, इस तरह का? तो मुझे लगता है जो खास करके बैलेंस बनाना खास करके राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बिल्कुल करना चाहिए। जनता उनसे अपेक्षा रखती है, शुचिता की अपेक्षा रखती है, बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं होनी। लेकिन आपने सर राजनीतिक शुचिता की बात कही आर के मिश्रा साहब, तो राजनीतिक शुचिता पे भी एक सवाल कर लेता हूं आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ संजीव निगम साहब जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपने तो प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन पर ही सवाल उठा दिए, उनकी शिक्षा पर पोस्टर लगा दिया, इस दिल्ली पोस्टरों से पाट दिया आपने। अब वो बता चुके हैं कि वो डिग्री कर चुके हैं DU से, तो उस पर भी आपको संदेह है क्या? ये अगर भारत के लोग अगर ये प्रश्न कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है?
लोग जान रहे हैं कि आप भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा चाहिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मार्कशीट उन्होंने दिखाई थी ना, मार्कशीट दिखा दी उन्होंने, पहले आप स्मृति ईरानी की डिग्री पूछते थे, आप प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ रहे हैं। एंकर महोदय, मैं आपसे जो कह रहा हूँ थोड़ा सा आप भी सुने जी, जो बात कही है अगर आपको याद हो 750 से ज्यादा हाँ किसानों की शहीद करने के बाद दिल्ली बॉर्डर में आपको याद होगा 750 किसान शहीद हो चुके, उसके बाद में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भाई मैं समझा नहीं सका लोगों को, ये जो हमने जो है जो काले कानून बने थे हम वापस लेते हैं इन कानूनों को, तो कमाल की बात है। एक व्यक्ति की अगर जो है जान जाती है तो उसका हत्या आपने आप और सीधे माने देखा जाए तो हत्या के आरोपी है, आपने उकसाया किसान आए इधर में चारों कोने से और वो जाकर के शहीद हो गए, अब आप कहते हो काले। अगर कोई वाकई जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा है वो अपने विवेक से अपने बुद्धि से सोचता, आपको जिन्होंने गुमराह कर दिया आपके लॉबी ने आपने मान लिया, आपने आपको कहा गया नोटबंदी बंद कर दो जी काला धन वापस आ जाएगा, आया काला धन नहीं आया ना काला धन, आपसे कहा गया थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, भाग गया कोरोना, कोरोना कैसे कोरोना से मुकाबला किया गया, चुनी हुई सरकारी गिरा लेते हैं हाँ हाँ वाली नहीं, इतिहास पढ़ा करता था डालोजी की हाँ वाली नहीं, मध्य प्रदेश में गए चलती चलाती सरकार को गिरा दिया, गोवा में गए उनको हड़प लिया, वहां जाकर के महाराष्ट्र में उन्हें हड़प लिया, तो ये तो नीति है लोगों ने देख लिया है, अब आपको 9 साल हो रहे हैं तो अब मैं समझता हूँ कि अब दोबारा जो है ये स्थिति नहीं आएगी, लोग अपना प्रधानमंत्री चाहते हैं लेकिन संजीव मैडम आपका मुकाबला किससे, आपका मुकाबला बीजेपी से सीधे नरेंद्र मोदी से, अरविंद केजरीवाल का मुकाबला या अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस से राहुल गांधी से? अभी अभी एक नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी सब एक मंच पर आकर के इकट्ठा हो गए, एक मंच पर आकर के इकट्ठा नहीं हो गए, ईडी और सीबीआई के माध्यम से सारे नहीं, प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे कि भाई देखिए कोई भ्रष्टाचार करे उसके यहाँ कार्यवाही की जाए, तो विपक्ष एकजुट हो जा रहा है, वो सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी है तो मंच पे नहीं आए, एक पार्टी में नहीं, तो आप ही को टारगेट करके कहा था ना, क्योंकि आप ही के दो मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, एक पार्टी में आ गए तो अब बहुत आसान है आगे आने वाले चुनावों में के माध्यम से जिसमें भ्रष्ट और बेईमान लोग है वो एक पार्टी में है, एक पार्टी में अपने आप जो है जब बदलेगी शासन व्यवस्था बदलेगी तो स्वच्छ और बढ़िया जो है एक अच्छा शासन मिलेगा लोगों को नया शासन, क्योंकि भ्रष्ट को अब हमें छाटने की जरूरत नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आकर के इकट्ठा हो चुके हैं आकर के, और अब बहुत आसान है आगे का मुकाबला। तो मतलब मैं तो सीधा सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से, एक शब्द में बताइए या दोनों से ही है? नहीं बीजेपी और ये जो लड़ रही है सत्ता में जो है मोदी हटाओ देश बचाओ इस किस्म के जो है पोस्टर लग रहे हैं, नहीं क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी का नारा था 2012 में जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ कि कांग्रेस बीजेपी धोखा है देश बचालो मौका है, लेकिन आज नारा क्या है क्योंकि आज तो राहुल गांधी के पक्ष में भाषण देते नजर आते हैं विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, और देश बचाओ, अरे भाई देश बचेगा ना तब तो होगा, जब देश ही नहीं बचेगा सारी की सारी चीजें आप बेच रहे हो, आप सब चीजें बेचे दे रहे हो, अरे भाई होनहार होनहार लगा क्या होता है, और ये बनाता है आप बनाने की बजाय सब चीजें आप बिखेर रहे हो बेच रहे हो। आर के मिश्रा साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अमिताभ कुमार सर के पास जाऊंगा। बिल्कुल अभी निगम जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ जो की जो भी आज ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिसोदिया साहब और सतेंद्र जैन ये सारे विषय अदालत के समक्ष हैं और इनके नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ठोस सबूत है ना, तो जब हेरा फेरी करी है आपने भ्रष्टाचार किया है तभी तो इस तरह की बातें हो रही है। आज सतेंद्र जैन हो चाहे आज सतेंद्र जैन जी साल पूरा होने वाला है उनका, उनका नहीं मिल रहा है जमानत अभी तक, सिसोदिया साहब का जमानत नहीं मिल रहा है, तो ये सब सारी चीजें अदालत के समक्ष है, अगर उनको लगता है जो कि नहीं गलत तरीके से फंसाया गया है तो अदालत के समक्ष जाएं हो और अपने जो है तो पीआईएल फाइल करें, तो इसलिए इसमें ये चीज नहीं आप केवल आरोप लगा सकते हैं जो कि ईडी और सीबीआई ने गलत तरीके से उनके ऊपर में कोई आरोप लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, अदालत के समक्ष है, आपको ज्यादा लगता है जो कि नहीं गलत है तो आप अदालत जा सकते हैं। जी निगम जी,
ठीक है। अदा मैं एक मिनट एंकर महोदय, मेरी बात थोड़ा सा जो है जल्दी से। आपको याद होगा इस समय जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, जब गुजरात में थे, गुजरात में गृह मंत्री थे, उनके ऊपर भी इस किस्म जांच लगी थी, उनको तो गुजरात बदर कर दिया गया था। तो आप ये जो बाद में आकर के, तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सा जो है हिम्मत मत हारिए कि हमने जो है, हमको जो है आपने कई बार अगर रोक दिया है। अगर हम मनीष सिसोदिया साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो वो भी जो है वो मशीन से धुल जाते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम उस मुकाबले को लड़ेंगे और हम सोचे होती तो आप वो, आपने भेजा है ना जेल उनको। ठीक है अमिताभ कुमार सर, अमिताभ कुमार सर क्या लगता है आने वाले समय में देश की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं जब से हंगामा, संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तब से ही देश में हंगामा है। एक नया अडानी की रिपोर्ट पर कांग्रेस जेपीएससी की मांग कर रही है, उधर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, फिर हंगामा होता है, फिर पोस्टर वॉर शुरू कर देती है आम आदमी पार्टी दिल्ली के सड़कों पर। तो आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठेगी, क्या रुख रहेगा, किसको हानि होगी, किसको लाभ होगा? सर तजुर्बे के चश्मे से सर आपको क्या नजर आ रहा है अमिताभ कुमार सर? देखिए अभी तो लग रहा है कि आने वाले दिन जो है हंगामा खेज ही रहने वाले हैं। हाँ। क्योंकि सबका इंटरेस्ट है और कोई शांत नहीं बैठेगा। जब आप राजनीति में होते हैं तो आप शांत बैठ नहीं सकते हैं। बस दिक्कत ये हो रही है कि जैसे जो तकनीकी मामले होते हैं उनको जनता के बीच या सड़कों पर नहीं उसको ये ठीक किया जा सकता या सुलझाया जा सकता है। कोर्ट का मसला है तो कोर्ट में सुलझेगा। आपके पास भी अच्छे वकील हैं और अच्छे लोग हैं जो कि कोर्ट का मसला है वहां पर सुलझाएं। आप सड़क पे उतर करके अपने आप को पाक साफ घोषित करना चाहते हैं जनता के बीच में, इसका क्या मतलब है? होना यह चाहिए कि अगर कोर्ट का मसला है तो कोर्ट ही तय कर सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब सही है तो निश्चित रूप से कोर्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई कमजोर नहीं है किसी से, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई जबरदस्ती फंसा दिया है, ऐसी बातें होती हैं कभी कभी, ऐसा लगता है, लेकिन कोर्ट में जाकर के अगर जो सक्षम व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसको सजा नहीं होती है बल्कि वो छूट जाता है, और गलती करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उसके लिए भी आप सभी सक्षम है, कोई कमजोर नहीं है यहाँ पे, सभी राजनीतिक दल सक्षम है और सबके पास अच्छे अच्छे वकील हैं। ये कोई वो बेचारा आदमी नहीं है सड़क का जिसको कि किसी ने कुछ कर दिया और वो जवाब नहीं दे पा रहा है और बंद पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश ये होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे भाजपा के साथ अगर लड़ाई चल रही है तो जो भाजपा की कमियां हैं उसको लेकर के और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य किया जाए, जो फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं वो सामने रखे जाए, क्योंकि कोर्ट में भी मामला दर्ज होता है, ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस स्टेशन में ही होता है और आपको लगता है कि पुलिस ही सारा कुछ करेगी, तो उस तरीके से जाए। दूसरा, भाजपा से बेहतर प्लान अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग आपको चुने। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के चारों तरफ राजनीति घूम रही है, आप मोदी के चारों तरफ घूमने को बाध्य हो गए हैं, जो कि उनकी विजय है। आपको हमेशा जानना चाहिए कि आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, उनके पीछे ना चले, वो आपके पीछे चले, ये स्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी, तब तो चांस है कि भाजपा को टक्कर दिया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अमिताभ कुमार सर, आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के अंदर ही फूट है? ममता बनर्जी अलग धरने पर चल रही हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दल को प्रमोट कीजिए, कांग्रेस तो कुछ नहीं हो गया, कांग्रेस के तो दिन लद गए। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो मोदी नाम के शख्स से कैसे लड़ा जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से मैंने देखिए साफ साफ कहा ना, ये आपस में लड़ाई तो इनकी रहेगी ही। हाँ। क्योंकि जब तक कांग्रेस अपना जो हम सबसे बड़े हैं इस भाव से बाहर नहीं आती है, उसे जो मुझे लगता है यथार्थ से सामना उसको करना चाहिए। हाँ। और बजाय इसके, मैंने पहले भी एक बार एक चैनल में ये कहा था कि बजाय इसके कि अभी से हम प्रधानमंत्री तय करें या कौन लीड करेगा ये तय करें, उसके बजाय चाहिए कि सामंजस्य बनाए कि कौन कहाँ मजबूत है, किस स्टेट में कौन कितना मजबूत है, उसके हिसाब से सीटें आपस में बांट करके और बेहतर प्रोग्राम के साथ जनता के सामने जाए, और जब चुनाव में अगर इनकी सीट ज्यादा आती है तो आपस में भी देख लें किसकी सीटें ज्यादा हैं, तो फिर सहमति से प्रधानमंत्री तय कर ले। कांग्रेस केवल ये चाहे कि मेरा ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो अभी मुश्किल है, क्योंकि चार पांच छत्रप ऐसे हैं जो काफी मजबूत हैं, वो नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन जाए। शरद पवार क्यों नहीं चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री जाए? ममता जी भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, केजरीवाल साहब खुद भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो
जिनके अंदर इच्छा है तो इसमें बुरी बात थोड़ी है, सबको इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने और देश के लिए काम करे। नीतीश कुमार भी लगातार यात्रा कर रहे हैं बिहार भर में, बेहतर प्रोग्राम के साथ जाना होगा। जनता को मुझे लगता है बरगलाने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में ये केवल मोदी के चारों तरफ घूम रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है सर, आएंगे हम चर्चा पे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है कि आखिरकार देश की सियासत किस ओर जा रही है। फिर छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बयान एक, मुश्किल अनेक, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को लेकर इस देश की सियासत लगातार गर्म हो रही है। वजह दो हैं, एक तो राहुल गांधी के बयान, दूसरा 2024 का चुनाव। बीजेपी चाह रही है कि राहुल गांधी को मुद्दा बनाकर जनता तक और ज्यादा पहुंच बढ़ाई जाए, तो वहीं कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे को भुनाते हुए 2024 के सिंहासन पर आखिरकार किस तरह से पहुंचा जाए। चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ आरके मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुधा मिश्रा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संजीव निगम साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अविता ठाकुर सर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लेकिन सुधा मिश्रा, जो सावरकर वाला बयान दिया था राहुल गांधी ने, उस पर एकदम तिलमिला गए उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि सावरकर पर अगर बोला तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदुओं को लेकर एकदम कट्टर है शिवसेना उद्धव ठाकरे। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में सावरकर को लेकर टिप्पणी करेंगे, सावरकर को लेकर कोट करके बयान देंगे राहुल गांधी? कई मुश्किलें खड़ा ना कर दे सावरकर वाला बयान। सुधा मिश्रा, डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैडम मैं कह रहा था कि उद्धव ठाकरे ने अभी कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि सावरकर को कोट करके बयानबाजी करेंगे राहुल गांधी? क्योंकि मुश्किल खड़ा ना करते सावरकर को लेकर कोट करना और बयान देना राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। शिवम जी, आपका कांग्रेस के लिए इतना उदारता और इतना ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन स्तर पे हमें क्या करना है इसका हम ध्यान रखेंगे। आवाज बंद कीजिए जी। लेकिन चूंकि आपकी उदारता और आपका इतना जो प्यार है कांग्रेस के लिए, देख के मुझे अच्छा लगा। उदारता मेरे अंदर में बहुत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। आई एम निजा परोपित्ति गड्ढा लगो चेतसाम, उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्रवान हूं मैं तो। जी जी, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, ये हर देशवासी के तारीफ जी, ये होना चाहिए जी। और इसी के लिए आपके जो सहानुभूति, उदारता, इन सब भावों को मैं जरूर पहुंचाऊंगी कि एक हमारे जो पत्रकार भाई हैं जो चाहते हैं कि राहुल जी इस तरह से करें, ये मैं जरूर पहुंचाऊंगी। और दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं इसकी चिंता हम करेंगे, और आप लोगों की उदारता को भी ध्यान में रखते हुए। अभी आपने दो तीन प्रश्न किया था, उनका उत्तर मैं देना चाहती हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी के शिक्षा पे जब सवाल, तो उस पर आपने क्वेश्चनिंग कर दिया। क्या आपको नहीं जानना है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी जो पढ़े लिखे हैं, जहां से पढ़े लिखे हैं, वो हम भी उसको प्राउडली कह पाए, हम क्यों उसमें शंकित रहे? क्यों उनके डिग्री में कंप्यूटराइज लिखा हो तो हमें शंका हो? क्यों लोग कह दे कि नहीं यूनिवर्सिटी में थे कि नहीं थे, वो कोर्स था कि नहीं था, हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंच पे स्पेशली कहा था, बच्चों के किसी प्रोग्राम में एक मैडम ने कहा था कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शिक्षा जरूरी है। तो उस बात को कोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, इनका ये मौजूद है, कि ये मैडम जो कह रही थी और उन्होंने उस बात को कोट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इंटर ही पास हूँ लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ा। उस बात को ध्यान रखते हुए मैं इस बात को कोट करना चाहती हूँ कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां जो हैं वो हैं, तो जाहिर सर मैं भी प्राउडली कहूंगी ना उस बात को। तो कोशिश करना गलत नहीं होता है, संशय को दूर करना होता है। तो प्रश्न अगर उठता है तो उससे प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। दूसरा, विपक्ष की एकता कैसे होगी, क्यों होगी, प्रश्न क्या इसका है? क्या पूरी राजनीति मोदी जी के आसपास नहीं घूम रही है? पूरी राजनीति राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने, राहुल जी प्रश्न न पूछे, वो क्यों, कहां, कैसे, क्या है, पैसा किसका है 20,000 करोड़, उससे प्रश्न न हो। सारी सोचिए, हम लोग कोर्ट के आदेश की मानना अमानना की बात नहीं है, कहां अमानना कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट ने किया हमने माना, जैसे इन लोगों ने कहा घर खाली करो हमने माना। आप सोचिए, न जाने कितने पूर्व सांसद जो आज भी अपने बंगलों में है, उन्हें खाली नहीं कराया गया क्योंकि सुरक्षा के कारण थे। लेकिन सोचिए
जिसका पिता गोलियों से नहीं बल्कि बम से उड़ा दिया गया हो, जिस परिवार की हत्या की गई हो, जिसकी दादी पे गोलियों की बौछार हुई हो, उस व्यक्ति पे कोई अच्छा कोई सुरक्षा की बात नहीं है। उसके लिए जिसके परिवार ने अपने घर को इस देश के हित देश के लिए अपना दे दिया सर्वस्व, घर नहीं है राहुल जी के पास तो झूठी बात नहीं है, आनंद भवन स्वराज भवन आप जानते होंगे, आपको बहुत पता होगा क्योंकि आप उदार चरित्र के हैं तो आपने उदारता पूर्वक इतिहास को पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, उसी उदार चेतना होने के नाते आपको सब बातें पता होंगी कि उसमें जो तत्परता दिखाई गई, जो तेजी दिखाई गई, ये दिखाती नहीं कि हम मोदी जी के आसपास घूम रहे हैं, ये दिखाता है कि किसी भी तरह प्रश्न खड़े न किए जाएं, और अगर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं तो किस तरह ओबीसी के नाम, सोचिए मोदी सरनेम जातिगत नहीं होता है, जैनी और ऐसे बहुत से लोग हैं अन्य धर्मों के जो उस सरनेम को धारण करते हैं, उसके बावजूद जिस तरह से इस प्रश्न को घुमाने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष का घूमना है मोदी जी के आसपास? बिल्कुल नहीं, ये जानबूझ के विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए। आपने कहा कि विपक्षी अगर ईडी का, आप बताइए हेमंत विश्व शर्मा, एक नाम लूंगी बाकी नाम नहीं लूंगी, आप बहुत समझदार है क्योंकि उदार चेतना है तो उदार चेतना लोगों को सब कुछ पता होता है, तो आप बताइए जिन पे आरोप लगा रही थी भाजपा मेघालय का चुनाव, बाकी छोड़ दीजिए मेघालय के चुनाव में जिस मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री जी बातें कर रहे थे, उसी के साथ मिलकर सरकार बन गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सारे आरोप खत्म हो गए, आप लोग कैसी बातें करते हैं? प्रश्न जहां उठना चाहिए वो प्रश्न नहीं होगा, आप विपक्ष की एकता है कि नहीं, विपक्ष के लोग खाना क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, और उदार चक्र होने के नाते मुझे ये भी पता है मैडम कि मुझे ये भी पता है कि झारखंड में किस तरह से ईडी की रेड हुई भ्रष्टाचार को लेकर, किस तरह से काला खाए खेल जो कोयला घोटाले की आड़ में चल रहा था ना वो उजागर हुआ, और मुझे उदार चरित्र होने के नाते ये भी पता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनकी जो सेक्रेटरी थी उनको किस तरह से उनकी कस्टडी हुई, उदार चरित्र होने के नाम से मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि सावरकर को कोट अनकोट करेंगे राहुल गांधी की नहीं करेंगे, सावरकर को कोट अनकोट करेंगे राहुल गांधी नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे को ऐतराज है सावरकर पर, सुधा मिश्रा डॉक्टर सुधा मिश्रा आप सुनते नहीं है मैडम, दिक्कत यही है विपक्ष के पास, पता है क्या दिक्कत है मैं बता रहा हूँ, उदार चरित्र होने के नाम से मेरा सवाल सुन लीजिए, विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सुनने का आदी नहीं है, विपक्ष सुनना नहीं चाहता, यही दिक्कत है, देश में जरूरत है कुछ और मुद्दे उठाने की, आप मुद्दा कुछ और उठा रहे हैं, हम करबद्ध होके आपके प्रश्नों का सर झुका के जवाब, मेरा सवाल यह है कि सावरकर को कोट अनकोट करेंगे राहुल गांधी नहीं करेंगे ये बता दीजिए, क्यों? अगर राहुल गांधी को आप पप्पू कह सकते हो और इससे आप मजाक बना सकते हो, मीम्स बना सकते हो, आपको किसने अधिकार दिया है? किसी को किसी ने अधिकार किसे दिया है? उस संज्ञा पे जो इस देश में न जाने कितने लाखों लोगों का नाम होगा, किसने दिया है? आप लोग प्रश्न का सिलेक्टिव प्रश्न लेंगे आप, ठीक है, लेकिन आरके मिश्रा साहब, आरके मिश्रा साहब जो बार बार पप्पू पप्पू नाम दिया जाता है, जैसे मोदी को लेकर कोर्ट चले गए मोदी समाज के अपमान को लेकर, तो ऐसे पप्पू समाज माफ कीजिएगा, पप्पू के नाम के जो लोग हैं वो भी कल को कोर्ट चले जाएं, कहेंगे बाबा भाई हमारा अपमान किया जा रहा है, ये कौन सी बात है? फिर किस किस की सांसदी विधायक की जाएगी पता है? फेरस लंबी हो जाएगी सर। आरके मिश्रा साहब शिवम जी, मैंने कहा पहले ही वक्तव्य में कहा जो कि राजनीति में सुचिता और जो शब्द की जो का जो चयन है वो बिल्कुल आप जनता अपेक्षा रखती है जो कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मैंने ये भी कहा है जो कि राजनीति पार्टियां कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, उसको शब्दों का चयन वाक्यों का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगा जो कि खास करके आपने कहा जो कि एजुकेशन, सुधा जी ने अभी कहा जो कि एजुकेशन जानना एक प्रधानमंत्री नहीं हर एक मंत्रियों का हर एक नेताओं का है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राजनीतिक व्यंग के तरह जब आप शब्दों का, जब आप किसी के क्वालिफिकेशन को पूछना चाहते हैं और राजनीतिक मंच के ऊपर में राजनीतिक व्यंग की तरह पूछते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो कि आप पूछिए कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन पूछिए, प्रोफेशनल क्या उन्होंने क्या किया है सब कुछ पूछिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए जहां तक विपक्षी एकता की बात है शिवम जी, मैं इसमें एक चीज कोट करना चाहूंगा, इसमें विपक्षी एकता की बात है, यहाँ पर थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट भी बनाने की बात हो रही है, लेकिन खास करके कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो वो कहाँ खड़ी है ये अभी तक अंधेरे में है, और जो पार्टियां अपने आप को खास करके 2014 के बाद 53 ऐसे विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें, लेकिन आरके मिश्रा साहब ये बताइए आप कि ये प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर, उनकी एजुकेशन शिक्षा को लेकर बार बार सवाल क्यों उठाता है विपक्ष? नहीं देखिए विपक्ष के कांग्रेस पार्टी बोलती है भाई, देखिए प्रधानमंत्री तमाम मंचों से कहते हैं कि मैं हिमालय में गया, तपस्या मैंने की,
अपने अपना चाय वाला अनुभव साझा करते हैं, जब उस संगठन में थे वो अनुभव साझा करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आरके मिश्रा साहब, प्लीज सुन लीजिए बात पूरे, सवाल पूरा होना जान होने दीजिए। प्रधानमंत्री कई बार अपने अनुभव साझा करते हैं, अपने हिमालय के, मैं हिमालय में गया और मैं इससे मिला, चाय बेचने वाले अनुभव साझा करते हैं, संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके शीर्ष नेतृत्व को अभी आजकल वो भूमिका निभा रहे हैं, वो अपना सफर साझा करते हैं, शेयर करते हैं बच्चों के बीच जाके, कार्यकर्ताओं के बीच जाके, पार्टी के लोगों के साथ। लेकिन ये बात कभी अपने कॉलेज का करियर का सफर कैसा रहा, कॉलेज कैसा रहा, इस बारे में शायद ही कभी उन्होंने बात की हो, अगर मेरी नजर में तो नहीं है, सुधा मिश्रा या फिर संजीव निगम बता पाए तो बेहतर है। कॉलेज गए होंगे तो बताएंगे ना। देखिए ऐसा हाँ। है, देखिए कि मैं कॉलेज गया था, मैं कैंटीन में बैठा था चार लोगों के साथ, अचानक वहां पर इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे, कुछ ऐसा मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया अभी तक। अगर आपने भी प्रश्न नहीं किया होगा, सुधा मिश्रा भी मुस्कुरा रही है और संजीव निगम भी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए दोनों के चेहरे पर हंसी देखते बन रही है। अरे 9 साल हो गए कभी एक बारी ओपन मंच फोरम पे किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी शिवम जी को ये मौका मिले पूछने का, मैं तो भगवान से प्रार्थना भी करूंगी। शिवम जी ऐसा है, देखिए अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं, जहाँ पे भी प्रेरणा मिलती है लोग उनसे सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी अगर आप लोगों की अनुमति, मैडम पूरी बात पूरी कीजिए, आरके मिश्रा बात पूरी कर लो उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लीजिए उन्होंने चाय उन्होंने बेचा है, निश्चित तौर पर एक चाय वाले के लिए क्या अनुभव होता है, वहाँ के सामाजिक क्या परिवेश होते हैं, सब कुछ साझा किया है। लेकिन मुझे लगता है जो कि खास करके किसी पत्रकारों ने भी इसके ऊपर में नहीं पूछा। दूसरी बात ये है जो राजनीतिक मंच और राजनीतिक व्यंग की तरह पूछने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने 9 सालों से दिल्ली को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक शब्द नहीं, सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, प्रमाण पत्र देते फिरते हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन ने बता दीजिए कि कॉलेज का अनुभव साझा क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मंचों से। कभी उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब कोई ये नहीं जो कि उसके पीछे कोई ऐसा चीज है। लेकिन अगर आपने प्रश्न किया है तो बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। आज मेरे से अगर कोई क्वालिफिकेशन पूछेगा मैं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, ये जानना ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है। लेकिन राजनीतिक व्यंग की तरह राजनीतिक उद्देश्य से हो गया ये चीज नहीं होना। सुधा मिश्रा कुछ कह रही थी आप, शिवम जी एक मिनट, आ रहा हूँ निगम साहब, आ रहा हूँ एक मिनट शिवम जी एक मिनट, जल्दी से सारी गलती पत्रकार साथियों की है, पत्रकार साथियों ने कभी नहीं कहा बल्कि अरे सर हम तो ऐसे हैं। अरे संजीव निगम साहब हमारी जमात तो ऐसी है कि आप भी घसीट लेंगे, अभी सुधा मिश्रा भी घसीट लेंगे, उससे कुछ उल्टा सवाल किया तो आरके मिश्रा से कुछ का सवाल कर दो वो भी घसीट लेंगे, हम तो ऐसे हैं कि हमें कोई भी घसीट लेता है। नहीं नहीं पत्रकार एक ऐसी जमात है ना सर, जिससे तीखा सवाल कर दो वही घसीट लेते हैं हमें, तो हम जो घसीटता है उसी के साथ चल देते हैं भैया। ठीक है शिवम जी, सबसे पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं कभी भी पत्रकारिता जो है, संजीव जी मैं बोलूं, पत्रकारिता का मैं बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि मैं अध्यापिका हूं, मैं अपने बच्चों को पत्रकारिता पढ़ाती हूं, तो मुझसे ज्यादा कोई उसका सम्मान नहीं करता होगा। तो कम से कम ये लांछन लगाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि अगर मैं उस बात पे प्रश्न कर रही हूं तो उसकी कोई वजह होगी, मैं आपको घसीटना या आपको दिल पे ले लें। सुधा मिश्रा मैं तो नहीं ऑब्वियसली बात है, उसका देना उत्तर देना बहुत जरूरी है। आप पत्रकारिता के छात्र को पढ़ा रही हैं, अच्छी बात है, कुछ साल पहले भी मैं भी पत्रकारिता का छात्री था, ठीक है बिल्कुल, इसीलिए तो जाहिर सी बात पत्रकारिता मेरे लिए बहुत सम्मान की है, और अभी भी पत्रकारिता का छात्री हूँ, आप जैसे शिक्षकों से मैं सीखता ही हूँ। खैर संजीव निगम साहब बहुत अच्छी बात है, और नहीं मैं प्रश्न पूरी कर लूँ अपना, मैं प्रश्न पूरी कर लूँ। अभी बात हो रही थी चाय वाला होना है और चाय बेचने की बात हो रही थी, बस मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कोई बैंग नहीं है, सच में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं उस नाली का एड्रेस पूछना चाहती हूँ जहाँ से चाय बन रही थी, गैस निकल रही थी, बहुत महंगी गैस है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मालूम चल जाए और मैं कम से कम अपनी बेरोजगारी दूर कर पाऊँ, और मैं उस नाली के गैस से और कई लोगों को नौकरी दे पाऊं। आप जानते हैं इस तरह की बातें करके अगर आपने लोगों को बरगलाया है तो आपसे प्रश्न वाजिब उठेगा, आप इसको नहीं कह सकते हैं कि लोग राजनीतिक मंशा की वजह से आपसे बातें कर रहे हैं। आपने लोगों को बात करने का मौका दिया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा करना हर एक युवा के लिए संभव है,
तो जब आप बताएंगे तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। और जहां तक बात है किसी की शिक्षा, किसी के एजुकेशन पे कोई प्रश्न नहीं होता है। आपने मौके दिए हैं क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और बिना पढ़े लिखे मैं इतना आगे पहुंचा हूं। प्रश्न तब खड़ा होता है जब आप पीसी करते हैं और डिग्री दिखाते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमिताभ सर के पास नहीं गया मैं। अमिताभ सर क्या लग रहा है, क्या इस दौरान, क्योंकि देखिए जब जब चुनाव आता है लोकसभा का तो विपक्ष बहुत आक्रामक होता है सरकार पर, स्वाभाविक आक्रामक होना भी लाजमी है क्योंकि सरकार ने जो अपने वादे पूरे नहीं किए उनको उस बारे में विपक्ष याद दिलाए सरकार को, अच्छी बात है। लेकिन इस बार 2024 से पहले यानी कि 2022 और 2023 में माहौल कुछ और ही है, ऐसा 2014 में नहीं रहा, 2019 में नहीं रहा। लेकिन अभी जेपीसी की मांग उठाई जा रही है, अडानी की मांग उठाई जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है अमिताभ सर, जो विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए क्या उन मुद्दों की कमी नजर आ रही विपक्ष के पास? जेपीसी से एक फैक्ट्री में काम कर देने वाले करने वाले मजदूर का लेना देना क्या है आप मुझे बता दीजिए। अडानी को कितने लोग जानते हैं इस देश में जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मजदूर हैं फैक्ट्री में, सीधा सीधा मानना। और दूसरी बात, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिस पर विपक्ष को काम करना चाहिए, वो उस पर विपक्ष काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आपसी लड़ाई जो है उसमें बहुत ज्यादा समय जाया हो रहा है। अब ये राहुल जी का जो मामला हो गया है इसकी वजह से शायद कुछ विपक्षी जो मजबूत विपक्षी हैं वो साथ में आ जाए। अब केजरीवाल साहब भी पक्ष में बात करने लगे हैं, ममता जी ने भी साथ देने की बात की है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एकजुटता आए। लेकिन ये ऐसी एकजुटता है जो कभी भी फूट सकती है, जरा जरा सी बात पे फूटने की बात होती है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में कुछ होने जाने वाला है, बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ। और इसलिए भी परेशान है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो। हाँ। मुश्किल ये है कि जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, जो सर्वेक्षण है, वो सारे अभी भी ये संकेत दे रहे हैं कि 2024 में भी भाजपा की स्थिति मजबूत है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि लगातार तीसरा अगर वो मौका मिलता है भाजपा सरकार को तो बाकी दलों के अस्तित्व पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा फिर उससे उनको उबरना। हाँ। तो इनकी मेहनत तो जायज है, इनकी कोशिश जायज है कि बहुत तेजी से और काम करें, लेकिन जायज तथ्यों और आंकड़ों पे आकर के ये सामने रखें चीजों को, अपनी योजनाएं, बेहतर योजनाएं सामने रखें, तब मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आम लोगों से भी बातचीत करता हूँ तो वो नोटिस करते हैं कि नहीं ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, ये काम हो रहा है, विदेशों में भारत की थोड़ी सी महत्ता बढ़ी है, बहुत से मसलों पे, विदेश मामलों पे भारत ने काफी मजबूती कायम कर ली है। तो इन सब चीजों का असर पड़ता है आम जनता। अब देखिए, जो आज से 15 साल पहले तक का जो खेल होता था ना, जिस ढंग से राजनीति और चुनाव लड़े जाते थे और ऐसा महसूस किया जाता था कि जनता को जो है ना बातों में, अमिताभ सर एक चीज आप बताइए मुझे, जाके वोट ले लेंगे। अमिताभ सर एक चीज बताइए, अभी उन्होंने मुझे, सुधा मिश्रा ने कहा कि मैं उधार हूँ, काफी उधार दिख रहा हूँ कांग्रेस के लिए। तो चलिए एक मिनट के लिए इस बात को मान लेते हैं और इसी नाते एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ अमिताभ सर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर सिलेंडर लेके कूद पड़े जनता के बीच में, उसका 24 पर असर पड़ेगा या अडानी और जेपीएससी के मुद्दे का 24 पर असर पड़ेगा, ये बता दीजिए अमिताभ सर। मैं तो कह रहा हूँ, निश्चित कह रहा हूँ ना कि जनता के मुद्दे को लेकर के जाए। हाँ। तो बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ। अडानी को लेकर के आप खाली बदनाम करके कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि आप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ। जो काम नहीं हुए हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी को इतना कर रहे हैं तो बेरोजगारी पे थोड़ा और बेहतर मेहनत करें, थोड़ा बेहतर ढंग से पेश करें चीजों को और आंकड़ों को सामने लाएं, महंगाई को लेकर के ठीक से आंकड़े सामने लेकर आए, शायद असर पड़े। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों मुद्दे भी जो हैं अभी उतने प्रखर नहीं हैं जितना कांग्रेस समझ रही है, इसको घुनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ। कांग्रेस को और कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, अन्य विपक्षी दलों को भी कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ। तो कुछ मामलों में भारत की जो अभी परिस्थितियां हैं, हाँ। भारत देश की जो विश्व में जो स्थितियां हैं, उससे भारतवासी एक हद तक प्रसन्न है जो मैं देख रहा हूं। हाँ। इस वजह से बहुत मुश्किल समय है विपक्षी दलों के लिए। ठीक है, सुधा मिश्रा मैडम, आपकी टिप्पणी मेरे सवाल पर जो मैंने अमिताभ सर से किया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अमिताभ सर जो दे रहे हैं वो कांग्रेस और विपक्षी दलों के भले के लिए दे रहे हैं, जैसी बातों से विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि किसी का दिया गया सलाह
नहीं, सवाल मैंने भी सवाल किया था कि देखिए आप अडानी जेपीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, अब अडानी को कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर? लोगों को 5% लोग अगर ये बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या आया है, तो मैं मान जाऊं। आधे लोगों को ये नहीं पता होगा, आधे लोग छोटे 5% लोगों को हिंडनबर्ग के बारे में नहीं पता होगा कहाँ की कंपनी कौन सी रिपोर्ट है। शिवम जी पता नहीं है, बताना लोगों को इतना पता है कि भैया सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, लोगों को इतना पता है कि उनके घर में बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं, लोगों को इतना पता है कि रिजर्वेशन का ट्रेन का किराया बढ़ गया, बसों का किराया बढ़ रहा है, घर में आटा महंगा आ रहा है। शिवम जी उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल, जो चीज इन्हें लगता है कि ये जो चाहेंगे वही पहुंचेगा और बाकी चीज नहीं पहुंचेगा, यही तो करना है कि हर वो चीज जो जनता को गुमराह करके की जा रही है जनता तक पहुंचानी है और उनके मूलभूत मुद्दों के साथ ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता के पैसों को जिस तरह से आप अभी आपने देखा कि एक न्यूज मुझे कंफर्म नहीं है कि वो है या नहीं कि 2000 के रुपयों पे जो टैक्स लगने वाले हैं वो बिजनेसमैन के लिए, वो उससे जनता का लेना देना नहीं है। 2000 रुपए यूपीआई पे 1.1% जो शेष की बात है, हाँ, जी, मैंने कहा कि वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने बात पहले कही थी कि कोई खबर इस तरह से आई है, मैंने आप मुझे बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, क्योंकि जनता के पैसे हैं, एलआईसी में आप जानते हैं कितने परसेंट भारतीयों के पैसे लगते हैं, अगर कुछ हुआ है और अच्छा अगर वो सही नहीं है भाई, सरकार को बोलना चाहिए, सेबी को बोलना चाहिए, बाकी लोगों को बोलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में, रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में जांच उठा दी, सेबी को निर्देश दे दिए मैडम। इस बात को अमिताभ सर बहुत अच्छे बताएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो अलग मसला है और जिसके लिए हम जेपीसी की बात कर रहे हैं वो अलग मसला है, दोनों एक मसले नहीं है। दिक्कत इसी बात की है कि सरकार लोगों को बता ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट किस की बात की जांच कर रही है और हम किस जांच की बात कर रहे हैं, यही तो मसला है, यही सरकार छुपाना चाहती है। आप बताइए, जिस देश में हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़े, आखिर ये संस्थाएं किस लिए हैं? जिस बात को बनाने करने के लिए संस्थाएं बनाई गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है क्या? इस शर्म की बात नहीं है इस देश में? हम उन्हीं सारे मुद्दों को, जनता के मुद्दों के साथ इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है और जो छुपाया जा रहा है वो ये है, इसी सत्यता को हम उनके सामने लाना चाहते हैं और बिल्कुल सर की सलाह को मानते हुए कि उनके साथ मुद्दों को जोड़ना, और हम उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं कि जो 400 का गैस सिलेंडर उस पर नृत्य होता था बकायदा, वो आज लोग कितने में खरीद रहे हैं? वही तो मैडम कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी आई, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था पिछले डिबेट्स में कि स्मृति ईरानी आई सिलेंडर लेके कूद पड़ी, अमेठी जीत गई और राहुल गांधी चले गए टाटा बाय बाय, लेकिन अब उससे कोई लेना देना नहीं लग रहा कांग्रेस पार्टी का। आप उस मुद्दे को नहीं उठा रहे, ये आप शिवम जी बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से कांग्रेस को एकदम आक्रामक हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। शिवम जी आज मुद्दों की कमी हो गई पार्टी के पास। मैं आपके इस सलाह को किस तरह उठाना है जरूर पूछूंगी पर्सनली, क्योंकि आप डिबेट में नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरह उठाया जाए। आखिर आप कहोगे ही तो, सरकार से पूछोगे ही तो, जनता के बीच लाओगे, लेकिन और कौन से तरीके हैं? बिल्कुल मैं आपसे सलाह लूंगी और इन सलाहों के साथ हम अपनी बात को, जनता की बात को, इस सरकार से जिसने सुनना बोलना हर चीज करना बंद कर दिया है उससे सवाल करते रहेंगे। संसद से आप किसी संस्था प्राप्त कर सकते हो, सड़कों पे बोलना रोक नहीं सकते हो, वो करेंगे और हम जानते हैं कि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ मात्र विकल्प है कि अब चर्चा और बात और चीजें करनी ही पड़ेंगी और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आरके मिश्रा साहब, सवाल तब उठते हैं, देखिए विपक्ष ने खूब हंगामा किया, राहुल गांधी का लोकसभा से भाषण डिलीट कर दिया गया, उस पर भी हंगामा हुआ, सदस्यता का उस पर भी हंगामा हुआ, अडानी मुद्दे पर जमकर राहुल गांधी ने लंबा छोड़ा स्पीच दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया, कहा कि जो कीचड़ उछालेंगे कीचड़ उछलेगा, लेकिन कमल जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा, लेकिन अडानी शब्द का नाम लिए बिना उन्होंने सब कुछ क्या डाला, लेकिन अडानी पर कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देते? देखिए शिवम जी, पहले तो ये कह रहे थे संसद में हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब जयराम रमेश जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उन्होंने कहा जो कि 50 मिनट तक अडानी मुद्दे पर संसद में राहुल गांधी जी ने बोला, अब एक चीज बताइए, उसको स्पष्ट कर दिया, उसका उनका नाम ही गायब कर दिया, वह तो बोलिए कि आपने क्यों खत्म किया भाई, ऐसा क्या था? एक एक करके सुधा मिश्रा, जब आप बोल रही थी तब नहीं बोल रहे थे आरके मिश्रा, उसके बाद क्या हुआ? अगर मान लीजिए इससे पहले राफेल के भी मुद्दे आए थे, क्यों अभी सुधा जी कह रही थी क्योंकि हर एक चीज में न्यायालय को आना पड़ता है, तो अगर उस समय में भी राफेल का मुद्दा था वो भी न्यायालय में गया था, जब न्यायालय की जब आप अवमानना करते हैं, न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं, उनके फैसले का सम्मान नहीं करते हैं, मुझे आज जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई है क्या उसके ऊपर में भरोसा नहीं? क्या देश के न्यायालय के ऊपर में भरोसा नहीं?
भाई बताइए सुप्रीम कोर्ट जो नहीं नहीं बस आप बता दीजिए जनता को, दर्शकों को क्लियर कर दीजिए सर प्लीज, सर प्लीज जो कमेटी बनने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है क्या वो पूरी बात उससे क्लियर जाएगी? ये वही विषय, बिल्कुल बिल्कुल ये वही विषय है सुधा जी, ये वही विषय है आज अगर बिल्कुल नहीं अगर आप दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं यही तो दिक्कत है। नहीं नहीं सुधा जी सरकार के ऊपर में भरोसा नहीं है ठीक है मानना पड़ेगा आपको, आप विपक्ष में है कभी भी सरकार के ऊपर में आपका भरोसा नहीं होगा लेकिन न्यायालय के ऊपर में तो भरोसा होगा। तो आज न्यायालय को हमें आज अगर न्यायालय भरोसा न होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें निचली अदालतों के मजिस्ट्रेटों के दिए गए न्याय पे ध्यान रखने की जरूरत है तो उस बात को नहीं आप बताइए तो क्या हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ और कुछ आपसे कहा या अवमानना की? बिल्कुल हम इस देश के न्याय न्याय विधि और हर चीज को मानते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जरूर कहूंगी हर चीज में समय के साथ बदलाव की गुंजाइशें बनी रहती हैं, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं। बात जब गुंजाइशों की हो सुधा जी मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सदन के पटल पर जो विषय है उस सदन के पटल ठीक है काफी देर से बोलना चाह रहे हैं संजीव निगम साहब जल्दी से सर संजीव निगम साहब टाइम मेरे पास बहुत कम दर्शक समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। हाँ शिवम जी तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां बहुत पहले से है हाँ। आम आदमी पार्टी को क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आम आदमी पार्टी बनावे और मैं आपको अपने मैं या मेरे जैसे तमाम लोग आम आदमी पार्टी में अपना कैरियर दांव से लगा गया है, हम पार्टियों में कैरियर बनाने नहीं आए हाँ। मैं खुद एक बाई प्रोफेशन एक टीचर हूँ अपनी चीजों को दांव लगा करके अपनी दांव लगा करके बने बनाए कैरियर को देश को संवारने देश को सजाने जो जो आप बोल रहे ना भ्रष्टाचार के बारे में सारे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और अब रास्ता आसान हो गया सारे भ्रष्टाचारी एक पार्टी में आकर के इकट्ठे हो गए आगे आने वाले चुनावों के माध्यम से वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी अलग हो जाएंगे और साफ सुथरा भारत निकल करके आएगा और नए वातावरण में जो है लोगों को जो है एक नई दिशा मिलेगी जिसमें सब होगा। देखिए टोल प्लाजा लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे संजीव निगम जब आप जनता के बीच जाएंगे और जनता आपसे पूछे कि बताइए भाई आप भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे आपके दो दो मंत्री तिहाड़ में क्यों हैं तो आप क्या जवाब देंगे? शामिल हो जाते भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होते ना। अच्छा हम तो शामिल नहीं। ऑफर तो मिल रहा था ना, ऑफर मिल रहा था बिल्कुल मिल रहा था बताया ना आपको हाँ। अगर और ये जो जानकारी दी है ये भी भारतीय जनता पार्टी के किसी साथी ने केजरीवाल साहब को बताया है तो हाँ। शामिल हो जाते हैं तो हमें मिल जाता, हम तो मुकाबला लड़ रहे हैं भाई हम सबके लिए कर रहे हैं ना किसी एक पार्टी ठीक है। लेकिन अमिताभ सर ललित मोदी की जो प्रतिक्रिया आई है इस पर बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि तो ललित मोदी तो सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता बन की बात कर रहे हैं ट्विटर पर, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे अमिताभ ठाकुर सर? नहीं आप लगातार उनका नाम ले तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो आनी ही है हाँ। और वो हुई है, अब आप इसमें सरकार को घसीटे या किसी को घसीटे हाँ। मुश्किल अभी यही हो रही है कांग्रेस के साथ कि हाँ। अभी समय है कि जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं पे जनता की राय लेकर हाँ। अपनी योजना जनता को बताएं, सरकार को केवल दबाने की कोशिश न करें क्योंकि जनता के बीच में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सरकार की इमेज ठीक है सारी परेशानियों के बावजूद ऐसा वो महसूस कर दी है। ठीक है बहुत शुक्रिया सर आपका समय मेरे पास, अमिताभ सर आपका शुक्रिया, डॉक्टर सुधा मिश्रा मैम आपका शुक्रिया, आर के मिश्रा साहब आपका शुक्रिया और हमारे साथ संजीव निगम साहब जुड़े थे आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में ताई खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।